क्या आपके घर में ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कार है? अगर ये सब है तो आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है इसमें आप लोगों को आपका मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कार के साथ क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कार है तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हफ्ता में एक बार आपका इंजन को स्टार्ट कर लेना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कार में जो बैटरी लगा हुआ है वो बैटरी का जो सेल है वो धीरे धीरे डाउन नहीं होगा। अगर आप इंजन को स्टार्ट नहीं करते हैं तो बैटरी का जो सेल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। इसीलिए आप ज़रूर इंजन को स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 5 मिनट तक रेस कीजिए। इस तरीके से आप अगर ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कार में जो बैटरी लगा हुआ है उसका सेल धीरे धीरे नहीं बैठेगा। अरे ये क्या, मैं तो आप लोगों को एक बात बताना भूल ही गया हूँ, आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है गोपाल वाड़ी ब्लॉग्स, आप चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आई होप कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।